आजकल नोनू को गोदी में लेना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है, ये आता नहीं है गोदी में, बड़ी मुश्किल से अभी मम्मी ने इसे गोदी उठाया और मुझे दिया है। सोचा तो था कि देर तक सोऊंगी, लेकिन बारिश की आवाज से एक्साइटेड होकर उठ चुकी। ये मेरे रूम से व्यू है, एकदम ग्रीन। अभी उठी हूँ और प्लान ये है फिर अभी, क्योंकि आज संडे है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने वाली हूँ। मेरी चादर लेके नीचे लिविंग रूम में लेटी रहूँगी और मम्मी यहाँ पे से बहुत सारी बातें करेंगी। मीनवाइल देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा बेबी, गुड मॉर्निंग। कहाँ चले इतना शपारी करके, थोड़ा और भी तो कर लो। वो अभी हुआ है अराउंड 8:30, 8 o'clock के आसपास मैं उठ चुकी हूँ। संडे है, मैंने पहले सोचा था बहुत देर तक सोऊंगी, बारिश तेज़ हो गई तो मुझे आवाज़ सुनाई दे दी, और जब बारिश तेज़ होती है तब मैं नहीं सो पाती क्योंकि मेरा एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और हो जाता है। तो अभी बस प्लान ये है कि अभी एक पापा मम्मी के साथ चक्कर लगा के बाहर आऊँगी, कार में लॉन्ग ड्राइव पर जाके आऊँगी ताकि थोड़ा चेंज हो जाए। आज सुबह से इतनी अच्छी बारिश शुरू हो चुकी है कि अब मेरा मन हो रहा है कि पापा को कुछ अच्छा अच्छा घर पे जाके खाना पीना जो है वो बना के खिलाऊं। देखती हूँ आज मैं पापा के लिए क्या बनाऊंगी, अभी फिलहाल कुछ प्लान नहीं है। मीनवाइल इसको देखिए, हे पीकाबू, नो नो पीकाबू। मुझे ना घर के लिए बहुत सारे स्पाइसेस लेने हैं, अलग अलग मसाले लेने हैं, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी मसाले की शॉप है जो जनरली पूरे टाइम भरी हुई रहती है। अभी सुबह हम लोग निकले हैं, पूरी तरीके से खाली है, तो मैंने प्लान में थोड़ा सा चेंज किया है। सबसे पहले सारे मसाले जो है वो मैं खरीदूंगी और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी। एक तरीके से सेफ है, अच्छा है। आपको सारे मसाले याद कैसे रहते हैं मम्मी? मेरी कुकिंग का एक्सपीरियंस है ना इतने साल। तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स मेरे सारे मसाले लेने में गए, क्योंकि पहले पूरी लिस्ट जो है वो बनाई गई, पूरी लिस्ट बनाने के बाद उसे सिलेक्ट किया गया, उसके बाद बिलिंग हुई, बिलिंग के बाद वापस से क्रॉस चेक किया गया कि अच्छा सारे मसाले अच्छे से रखे गए कि नहीं। फाइनली एक मसाले वाला जो टास्क है मेरा हो चुका है, क्योंकि अभी भी मेरा बॉम्बे वापस से निकलना हो सकता है, तो एक ये जो टास्क है वो डन हो चुका है। मीनवाइल नोनू ने इतनी इंतज़ार किया है कि वो सो चुका है। नोनू ओले बेबी। मसाले की शॉप से मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया है। क्या? कावा, वो पीने वाला जो आपको अच्छा लगता है ना। गुड, मैं बहुत दिन से मेरे उसका रख रखा है, मैंने कहा मिलेगा पता नहीं। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए। बस आज पीऊंगा मैं, मेरे को बहुत पसंद है। लेके घूम रहे थे पापा, वही लेके घूम रहे थे कब से। अच्छा खासा घूम ली हूँ मैं सुबह सुबह, अभी 10:30 बजने आ गए हैं और अब आ रही है मुझे तेज वाली नींद। पर आज मैं कुछ पापा के लिए स्पेशल बनाऊंगी, क्या अभी सोचा नहीं है, देखते हैं जो भी इंग्रेडिएंट अवेलेबल होगा उसी के ऊपर से आज खाना जो लंच रहेगा वो मैं बनाऊंगी और फिर सोऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा सोऊंगी आज।
माना चाहिए 20 रस्ते में शुरू कर रहा है। गलत चलाई ना इसने, मतलब अब ऐसा क्या होता है कि पीछे वाला देखे नहीं तो आप लोग भी ठोक दे। ये मसाले लिए हैं तो नोनू के लिए भी तो मिल्की चियो लिए। यस नोनू इट्स ओनली फॉर यू हैप्पी बेबी। तो मैं अभी पापा के लिए बनाने वाली हूँ शाही पनीर और सारी प्रिपरेशन जो मैंने कर ली है। इनफैक्ट प्याज जो है भुनने के लिए मैंने रख दिया है। चलो आपको दिखाती हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने सारी इसमें जो वेजीज है वो चॉप कर दिए। टमाटर है, अदरक है, हरी मिर्च है और सूखे जो खड़े मसाले हैं वो मैंने डाला है। काजू मैंने इसमें डाले हैं एज यू कैन सी। देन सबको मैं नमक और मसाले डाल के पीस लूँगी तो मेरी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगी। मम्मी ने बनाए हैं मोदक और पापा ने इसे फ्राई किया है एज यू कैन सी। आज मेरे पप्पा बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खुश भी दिख रहे हैं क्योंकि उनके फेवरेट मोदक आज बनाए हुए हैं, उनके फेवरेट लड्डू आज हैं और आज मैंने पप्पा के लिए बनाई है शाही पनीर। तो आई होप उनको अच्छी लगे। थोड़ी स्लीपी मैं दिख रही थी इसलिए मैंने अपने लुक को थोड़ा प्रॉपर करने के लिए रेड लिपस्टिक लगा ली। यू नो कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम करती है। आजकल नोनू को गोदी में लेना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। ये आता नहीं है गोदी में, बड़ी मुश्किल से अभी मम्मी ने इसे गोदी उठाया और मुझे दिया है। पर मैं इतना गुस्सा कर रहा था ना ये गोदी में आने में, क्यों बिगड़ क्यों गया है तो इतना। तो फैमिली के साथ मैंने अच्छे से आज टाइम स्पेंड किया है। आई होप आपको ये वीलॉग देखने में मज़ा आया है। मेक श्योर करिए कि आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।